हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित शर्मा आज आपके साथ हाजिर हूं एक और नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आजकल एक ऐसी चीज हो गई है जिस पे बहुत सारी वीडियो तो बन रही है, लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि आपको समझा सके कि ये असल में चीज क्या है। ठीक है, अभी मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहा हूँ और आपके लिए भी वो चीजें जो मैं यूज कर चुका हूँ या यूज करके ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जिनके बारे में, वो आपके लिए भी लेके आऊंगा कि वे चीजें क्या हैं और कैसी हैं। ठीक है, क्या आपको अपनी पर्सनैलिटी एक अल्फा मेल हाई स्टेटस वाली बिल्ड करनी है, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हम बात करते हैं उस पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए कि किन किन पॉइंट्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उन पॉइंट्स की आज हम अभी हम बात करेंगे। पर्सनैलिटी दो तरह की हो सकती है, देखिए, आउटर पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी। कोई बंदा या बंदी आपको देख के जज कर दे कि इस बंदे से तो यार मुझे बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आउटर पर्सनैलिटी अच्छी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक्टर है या फिर कोई मॉडल है, ठीक है, उसकी आउटर पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसकी लुक्स ही उसका लिए सब कुछ है। उसका हेयर स्टाइल, उसकी स्किन केयर, उसका हाइजीन, उसकी बियर्ड वगैरह एकदम प्रॉपर वे में सेट मिलेंगे आपको। ठीक है, पूरा का पूरा, और बॉडी ओडर, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ फिट मिलेगा आपको। उसका ड्रेसिंग सेंस टॉप क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी आउटर पर्सनैलिटी से उसकी ज्यादा पहचान है। लेकिन एक्ट्रेस में इनर पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। मॉडलिंग में मान सकता हूं मैं, मॉडलिंग भी एक बहुत ही ऐसा पैशन है, अगर जहां पे आप जाते हैं तो आपकी इनर पर्सनैलिटी जितनी स्ट्रोंग होगी, आउटर पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा झलक के आएगी, उतना ही अच्छा आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि फिर इनर पर्सनैलिटी क्या है। इन दोनों को समझने के लिए आप समझिए कि अगर आप इनर पर्सनैलिटी से स्ट्रोंग हैं, अगर आपकी इनर पर्सनैलिटी सही में स्ट्रोंग है, आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ एक हाई क्लास की है, आप बहुत सारी चीजों में से निकल चुके हैं, सीख चुके हैं, बहुत सारे लोगों में रह चुके हैं, देखिए आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको उनके बारे में, उनसे आपको अवगत करा सकता हूँ, आपको उनसे मिला सकता हूँ एक बार, लेकिन वो ट्राई आपको खुद करके देखनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ आपको आना ही चाहिए। आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, आप किसी से बात करते हो उसमें इन्वॉल्व कितने हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे कैसा एनवायरमेंट आप बनाते हैं, किसी भी सिचुएशन को देख के आप अपने फ्रेंड्स या अपनी पार्टनर के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपकी इनर पर्सनैलिटी में आती हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपका रहने सहने का तरीका क्या है, आप अंदर से एक काइंड हार्टेड पर्सन है या नहीं है। देखिए अभी मैं इन टॉपिक्स पे केवल आपको टॉपिक बता रहा हूँ, पॉइंट्स आपको गिना रहा हूँ, लेकिन आगे एक एक करके इन्हीं टॉपिक्स पे बहुत ही खतरनाक तरीके से वीडियो आने वाली है, तो आगे की वीडियो बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। अगर आपको आगे की वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू लगातार देखते रहना है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। इन पॉइंट्स पे हर संडे मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेके आता रहूंगा, हर संडे, मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें लेके आऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे किसी का पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, कर रहा हूं, और आपको खुद पे यूज की हुई चीजें आपको बताऊंगा कि ये केमिकल फ्री है या नहीं है, इसको कैसे यूज करना है, किस टाइम यूज करना है, एक अच्छी सलाह, एक डाइट और एक बढ़िया बॉडी, आपकी फिजिक को भी मेंटेन करते हुए एक आपकी ऐसी उम्दा पर्सनैलिटी मैं बनाऊंगा, आपकी पर्सनैलिटी बनवाने में ऐसी मदद करूंगा कि आप कहेंगे, कि लोगों से भी कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल में आपके लिए बहुत काम की वीडियो मिलेंगी। और अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।